इसे वीडियो कैसे एडिटिंग की जाएगी और किस तरह से वीडियो एडिटिंग होती है दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और बने रहिए इस वीडियो में। और हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ये काइन मास्टर प्रो है मेरे पास, जो इसका वर्जन है काइन मास्टर प्रो है। आपने इसको, मैं लिंक दे दूंगा, आपने यही काइन मास्टर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपल यहीं पे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ जैसे मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक करके, और मैंने, अगर आप कुछ स्टेटस वगैरह यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, आप 9:16 पे रखेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे हैं तो 1:1 ये आप इस पे रख सकते हैं। और उसके बाद जो है फेसबुक के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। और देखें अलग अलग से थंबनेल वगैरह, जिससे मूवीज़ आप बनाते हैं तो मूवीज़ के लिए कैसे रखेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो इसको फिट पे रखना है या फेल पे या रैंडम, तो रैंडम भी आप रख सकते हैं और फिट भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है ये 4.5 पे होना लाजमी है आपका, आपने नीचे देख लेना है। अक्सर मोबाइलों में ना अलग अलग से बन जाता है, खुद बहुत सेटिंग हो जाती है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और हम आ गए हैं यहाँ पे अपने हमारी गैलरी में जो वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वहीं वहीं दिखा रहा है। तो मैं सिंपल सा कोई उठा लेता हूँ, मतलब कोई वीडियो यहाँ से देख लेते हैं, स्टेटस वीडियो दिखाने के लिए है। और अपलोड भी करने तक मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, अपलोड कैसे करेंगे आप वो भी सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरी वॉच करनी है दोस्तों। यहाँ से हम कोई वीडियो उठा लेंगे और उसका पूरा टोटल, यहाँ पूरी कोर्स दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप बड़े सुकून से जो करना चाहें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये वीडियो उठा ली और देखिए मैंने इस वीडियो को उठा लिया है। तो सिंपल सा, अगर मैं चाहूँ इस वीडियो पे, इसको क्या करेंगे हम, इस वीडियो पे हम करेंगे, इसके नीचे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ आपको 3 डॉट इस पे जब क्लिक करेंगे वीडियो पे, तो ऊपर जहाँ डुप्लीकेट डुप्लीकेट इज लायर पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट एक और लायर दे देगी। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, इसको एक साइड पे करके पहले इस पहले वाली वीडियो को आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। सेम देखें, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये कैंची के साथ है ये, इस पे क्लिक, पेन इज जोन, आपने क्या करना है इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद उसको वहीं रहने देना है, इसको ऐसे यस कर देना है। तो इस वीडियो को जो हमने उठाया है, सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे, इसको फुल कर देंगे। ये देखें मैं इसको कर रहा हूँ फुल, और भी कर देता हूँ। ये देखें, ये भी हमारी वीडियो जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम जो है बिल्कुल कम कर दूँगा, इसका भी कम कर देता हूँ। ये कॉपी पेस्ट भी आप इसको समझ सकते हैं कि एक मैं वीडियो को कॉपी पेस्ट बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। और वो भी इसमें समझो कि आपके 3-4 फायदे होने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, ये बहुत अहम वीडियो होने वाली है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने इस पे क्लिक करना है इस वीडियो पे। तो आपने इस वीडियो के जो है कलर, कलर कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ कलर पे आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। देखो ये वाला कोई सा भी आप लगा सकते हैं। तो मैं ये लगा देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये जो नीचे वाली वीडियो है इसका हम कलर चेंज कर देंगे। ये देखें, अब ये जो कलर हम चेंज करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। अब देखें वीडियो को, देख सकते हैं दोस्तों, मैं कोई सा भी कलर चूज, ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करके, ये क्रोमी, आप क्रोमी की देख रहे हैं, क्रोमा की, सॉरी क्रोमा की आप देख रहे हैं। तो
तो सेम आप क्रोमा की पे क्लिक कर देंगे। इस पे यह होता है, हम इस वीडियो का जो बैकग्राउंड वगैरह होता है हम उसको आसानी चेंज कर सकते हैं। आपने ये इनेबल है, इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने सिंपल सा बैक आ जाना। ये देखें, मैं इसको फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद मैं आपको ये अभी नहीं बता रहा हूँ, तो आपको बाद में बताता हूँ दोस्तों। अब हम इस वीडियो का जो है ये वाली कॉपी पेस्ट, हम अब इसी वीडियो को हम अब बनाएंगे। मैं यहाँ से कुछ पिक्चर उठा लेता हूँ इनकी तरफ से, यहाँ देखें इमेजेस वगैरह दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ से सिंपल सा कोई उठा लेता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि बैकग्राउंड आप कैसे चेंज कर पाएंगे। ये देखें, सबसे पहले तो आप इस पर क्लिक करके इस पर इसको फुल कर देंगे और डन कर देंगे। डन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल से वीडियो को जो हमारी पहले वीडियो हम बना रहे थे उसी को उठा लेंगे, या कोई और वीडियो उठा लेंगे, हमने उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। मैं ये वीडियो उठा लेता हूँ, इसको आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं इस पर इसको साइड पे रखूँगा और ये लायर पे क्लिक करना है दोस्तों। ऊपर वाले मीडिया पे नहीं क्लिक करना, आपने लायर पे क्लिक करके ऊपर मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपने कोई सी भी वीडियो जो है वो उठा लेनी है। वीडियो उठाने के बाद सिंपल सा आप उसका बैकग्राउंड जो है, ये देखिए मैं इस वीडियो को उठा लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो का जो है बैकग्राउंड कैसे चेंज करूँगा, पहले तो आपने इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं इसका बैकग्राउंड ये फुल है, और बैकग्राउंड इसका कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। इस वीडियो पे सिंपल सा नीचे आपने क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद आपने क्रोमा की पे आ जाना है। तो क्रोमा की पे मैं आ जाऊँगा, नीचे देखूँगा ये है क्रोमा की, तो क्रोमा की पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो एंड लेबल पे मैं क्लिक करके इसको ऑन कर दूँगा। जैसे मैं ऑन करूँगा ये इसको यहाँ से, ये वैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आपने करना है, ये वीडियो मैच नहीं हो रही। हाँ, इसने जो एक और बात है, इसने जो कलर पहना हुआ है, पहली बात तो ये है, हम ऐसा करेंगे कि कोई और वीडियो उठाएंगे जो इसके कलर को मैच होती है। सिंपल सा हम बैकग्राउंड भी वही उठा लेते हैं, तो बैकग्राउंड कौन सा कलर पहना था जो उसके मैच हो, ये कलर उठा लेंगे, उससे मैच भी हो रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा और जाके वीडियो एक फिर से लायर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे जो हमारे स्टेटस वगैरह जहाँ पड़े हुए हैं। तो सिंपल सी हमने फिर से यही वीडियो उठा लेनी है दोस्तों। ये देखें थोड़ी सी मैच, हम इसको क्रॉप कर देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऐसे बना लेंगे हल्का सा, और हम इसको यहाँ से फिर से कर देंगे, और आप बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने देखो दोस्तों कैसे कर दिया इस वीडियो को, आपने भी सेम ऐसे कर लेना है, और इसको बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा काम मुकम्मल हुआ, तो हम इस पर आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, और वीडियो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमने बिल्कुल इस पर आज कलर पे जाना है। कलर पे आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करके ये वाला कलर जो है आपने चूज़ कर लेना है। तो जैसे मैंने चूज़ कर लिया है, तो अभी मैं यहाँ से चूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन आपने कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक करके नीचे आके नॉन पे रख दूँगा, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम क्रोमा की पे चलेंगे। क्रोमा की पे हम देखें दोस्तों, वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है, वीडियो जो है वो आपके लिए ख़ास होने वाली है दोस्तों। अब देखें ये वीडियो जो है इस पर मैच हो रही, मैं इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करूँगा। ये देखें,
अब ये जो हमारी वीडियो है दोस्तों, अब एक मिसाल मैं इसका बैकग्राउंड बिल्कुल इस तरीके से बनाऊंगा जिस तरीके ये बनी हुई है। तो हम फिर से जाएंगे, हमारा जो बैकग्राउंड वगैरह है हम उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे दोस्तों। यहाँ से आपने उसको चेंज करना है, उसके बाद आपने सिंपल सा यहाँ आ जाना है और देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने इसको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, फिर क्रोमा की पे चलेंगे। अब हम यहाँ से इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके कपड़े बिल्कुल ऐसे करके, उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे सिंपल से क्लिक करेंगे और यहाँ से उठा लेंगे उसके मिलते जुलते। हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो फिर से हम जाएंगे वहीं क्रोमा की पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से क्लिक करके और हम इसको चला देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखें। लेकिन अगर देखा जाए और के मतलब हल्का सा फ़र्क आया है, और ये जो काइन मास्टर की जो सेटिंग, अगर आपका बैकग्राउंड ग्रीन है तो अगर आपके पास कुछ पड़ा हुआ है तो मैं फिर से आपको एक और वीडियो यहाँ से सिंपल सा मैं इसको कर देता हूँ रिमूव और वीडियो हम ले आएंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड चूज़ करेंगे, बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद हम कोई वीडियो ले आएंगे। तो मैं सिंपल सा एक यहाँ से ये वाला मुझे अच्छी लगी है तो हम इसी वीडियो को यहाँ पर कर देंगे। इस वीडियो को हम हटा देंगे, इसकी देखें जो जिसकी ब्लैक होगा ना ब्लैक, तो देखते हैं ब्लैक किसका बैकग्राउंड है, तो हम उसको सिंपल सा उठा लेंगे, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक, और हम चलेंगे अपने उस लायर में, चलेंगे लायर में चल के। और दोस्तों और भी बहुत सारी सेटिंग बताने वाला हूँ तो हम देखेंगे यहाँ कोई बैकग्राउंड वाली जो जिसका बैकग्राउंड हो ब्लैक, यहाँ से कोई भी नहीं मिली क्या ना, हाँ ये उठा लेते हैं, कोई बात नहीं अगर इनका ब्लैक नहीं भी है। तो हम इसको इसके अंदर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके उसी क्रोमा की पे आएंगे और इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ से बैकग्राउंड जो है इसका सिंपल सा, और उसके बाद हम फिर से क्रोमा की पे जाएंगे। अगर मतलब ग्रीन स्क्रीन हो, ग्रीन स्क्रीन पे ना, ये काइन मास्टर को मैंने देखा है, काइन मास्टर कई बार ग्रीन स्क्रीन पे सही काम करता है, तो बैकग्राउंड चेंज करने में बहुत आसानी होती है। तो इसका नहीं हो रहा है, कोई हम और उठा लेते हैं। ग्रीन स्क्रीन जो होती है दोस्तों वो मतलब उसका जो आप बैकग्राउंड है वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह उसका आप बड़े अच्छे तरीके से आप उसका चेंज कर पाते हैं ग्रीन स्क्रीन का, और मैंने कई बार देखा है ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है बड़े अच्छे तरीके से। हम अब हम हाँ अब हम इस पिक्चर को हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने क्या करना है, इसको
क्रॉप करना है। तो हम क्रॉप कैसे करेंगे, सिंपल से इस पे जाके यहाँ पे, यहाँ, और इसको नीचे करेंगे। एक मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कोई वीडियो होती है तो वैसे हम उसको कर लेते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जो है मैं डायरेक्टली क्रोमा की पे चला जाऊँगा। तो जैसे मैं क्रोमा की पे जाऊँगा, यहाँ से मैं ब्लैक चूज़ कर लूँगा। आपने नीचे सिंपल सा आना है और यहाँ पे ब्लैक चूज़ कर लेना है, और मैंने यहाँ पे ब्लैक चूज़ कर लिया है। और मैं सिंपल सा ओके पे क्लिक करूँगा और इसको बड़ा कर दूँगा। बड़ा करने के बाद जो है दोस्तों, मैं इसको सिंपल सा यहाँ यहाँ ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद जो है दोस्तों, फिर से हम क्रोमा की पे चलेंगे। ये देखें, इसका बैकग्राउंड जो है दोस्तों हमने चेंज कर दिया है। देखें, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान, ये जो है इसका बैकग्राउंड जो है वो हमने कर दिया है। तो सिंपल सा आपने भी इस तरीके से कर लेना है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे आप इसको सेव, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सेव कर लेंगे दोस्तों। दूसरा पार्ट जो है वो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में होगा, तो आप वहाँ से जाके इसका दूसरा पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।